एक किसान नहीं है जी, एक किसान नहीं है, ये मेरे जैसे फागड़ू लोग है। और ये जो लोग है ना, मान लो जैसे पार्टियों के लोग इकट्ठे हुए हुए हैं, कोई किसी को भड़काते हैं, कोई किसी को भड़काते हैं, ये भड़काने वाले लोग हैं। अच्छा, इनमें से कोई पार्टी वाले नहीं है, ये सब जो है ना अपने किसान जो है, किसानों को टाइम ही नहीं है। अब मेरे को कह दे कि नेतागिरी कर ले या कहीं घूम ले, मेरे को टाइम नहीं है था। टाइम किसानों को कोई टाइम नहीं है। ये जितने भी लोग हैं ये देशद्रोही आदमी है। देशद्रोही है? हाँ जी। कैसे देशद्रोही, कैसे बताइए? देशद्रोही ऐसे है कि पूरा अपना दिल्ली जाम कर लिया, हाईवे रोड जाम कर दिए, जहाँ पर मान लो दिल्ली से कोई व्यापारी माल लेके आएगा तो रस्ते में रुकेगा, नुकसान किसको होगा? देश को नुकसान होगा। यहाँ से अगर हरियाणा और पंजाब से या राजस्थान से कोई सामान जाएगा, उसको रोकेगा, नुकसान किसको होगा? अगर हिंदुस्तान की रेल गाड़ी सारी जो गाड़ी घोड़े सब बंद होंगे, नुकसान किसको होगा? देशद्रोही हुए तो क्या हुई? ये देशद्रोही हैं, ये नहीं तो कोई किसान है, ना ही कोई और है। अगर किसान है तो अपनी फर्ज दिखाएं, सब निकाल के अपनी अपनी, कोई है किसानों हैं, सब अपने को नुकसान करने वाले। ये किसानों को ही नुकसान कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हमारे को नुकसान करने वाले हैं ये लोग। आपको कैसे नुकसान होगा? हमारे को नुकसान ऐसे होगा, जैसे मान लो हमारा मंडी के साथ किसी गांव पड़ता है मेरा, अरनियावाड़ी, यहाँ से मैं सिरसा ले गया हूँ माल, और इनने क्या किया, इकट्ठे होकर रास्ता रोक देंगे, मेरा माल बिकने के लिए नहीं जाएगा सर, कैसे जाएंगे हम? जैसे रास्ता रोक देंगे, कहाँ जाएंगे? मान लो मंडी के अंदर हम चले गए, और इनने तो एक बार हल्ला करना कि हम किसान भाई करके वहाँ पर दुकानें बंद करा देंगे, तो हमारे को नुकसान है, और क्या है? तो नुकसान ऐसे होता है आप लोगों को? बिल्कुल होता है जी सर, बिल्कुल होता है सर। लेकिन देखिएगा, राकेश टिकैत है जो किसान नेता हो गए इतने बड़े, वो तो बात करते हैं, हम किसान हैं, किसानों की बात सर, ये ये किसान नहीं है। अगर किसान होते तो हेलीकॉप्टर में चलते, किसान होते तो ये 50 लाख की गाड़ी में चलते। क्या किसान के पास तो ऊँट रेडी और गधा रेडी और घोड़ा रेडी और बर्द रेडी होती है, और हमारे जैसे आदमी तो मान लो उस गाड़ी का शक्ल भी नहीं जानते कैसी होती है, ऐसी ऐसी गाड़ियों में चलते हो, किसान होता है क्या? किसान वही होता है जो अपना खेत में काम करता है, खेत में काम करने वाला होता है, हाथों में छाले पड़े होते हैं। आपके पड़े हैं? हाँ जी, बिल्कुल पड़े हैं। दिखाओ एक बार, ये देखो। अच्छा, ये हाथों में जो है छाले पड़े हुए हैं? हाँ जी, एक काम करने वाले को होगा। अगर कहो आप टिकैत जी को है तो छाले देख लेना कहीं है क्या। टिकैत जी को ये पता पूछ लेना कि पानी लगाते हैं तो एक किले में कितने घंटे लगते हैं। अच्छा, टिकैत को यही नहीं पता होगा कि पानी कितने में, एक घंटे में कितने नहीं लगता है। दूसरा ये पूछ लेना, आपके वो किसानों का नेता है, उसको ये पूछ लेना कि एक किले में कितने घंटे पानी लगता है। दूसरा ये पूछ लेना कि ट्यूबवेल की मोटर कितने हॉर्स पावर की होती है, उसको नहीं पता होगा। हमारे से पूछो, हम बताएंगे। आपको पता है? हाँ जी। कितने घंटे लगते हैं? मेरा ट्यूबवेल है जो 400 फुट नीचा है, वहाँ पर 25 हॉर्स पावर की मोटर लगी है। अच्छा, उनको ज़्यादा कहेगा जी, उसको हॉर्स पावर का पता नहीं है कितने हॉर्स पावर की मोटर लगी, वो कहेगा मोटर लगी हुई है, मोटर तो एक हॉर्स पावर की भी होती है। अब 400-500 फुट नीचे पानी होगा तो कितने हॉर्स पावर की खींचेगी? तो फिर ये जो टिकैत साहब हैं, ये फिर क्यों बैठे हैं? देखिए 10 महीने से ज़्यादा हो गए हैं तो देखो जी, मेरे पास मैं टिकैत जी को नहीं जानता कहाँ का है, कैसे है, बाकी ये किसान नहीं है। किसान नहीं है? नहीं है किसान। किसान होते ना, किसान होता है इसकी समझ में आ जाता, और सारा कुछ लोगों को भड़काव भयभीत नहीं करता। अगर भयभीत क्यों कर रखा है? किसान होते अगर, चलो ये भी कहते किसान है तो मान लो सरकार इनको बुला रही है कि आज अभी बात करेंगे, ये बात करने के लिए राजी नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? जब किसी बात में ये नहीं राजी हो रहे तो क्या होते हैं? ये किसान नहीं है सर, किसान वही होता है जो खेत में काम करता है, दिन रात पानी लगाता है, दिन रात खेत में काम करता है, वो किसान होता है। इनको पता नहीं है, आप ये सवाल पूछ लेना उनसे कि यार एक किले में कितना घंटे पानी लगता है, और एक किले में कणक का बीज कितना पड़ता है, एक किले में सरसों का बीज कितना पड़ता है, उसको एक पूछ लेना, नरमा एक किले में कितना होता है, ये पूछ लेना आप। ये बात बात पे कहते हैं कि हम सरकार गिरा देंगे, हम उत्तर प्रदेश में ये कर देंगे, देखो मेरे पास उत्तर प्रदेश में वो कर देंगे। देखो मेरी बात सुनो, सरकार से हमारी कोई लेना देना नहीं, मैं सरकारी नहीं हूँ, ना मैं कोई किसी पार्टी का हूँ। आप आम किसान हैं, मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल छोटा। क्या लगता है कि ये लोग कर देंगे सरकार को कोई नुकसान? उसका मेरे को क्या पता, मान लो जैसे ऐसे कर रहे हैं तो नुकसान है ही है, नुकसान तो देश को ही है ना। अगर मान लो सरकार गिरा देंगे, दूसरे बनाएंगे, तो ये नुकसान है देश को, उसको क्या कहोगे आप? उसको अच्छे बताओगे? अब देशद्रोही बताओगे और क्या करो? ये लोग अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है? नहीं। अच्छा, आप भी गए हैं कभी आंदोलन में? ना, मैं नहीं गया,
मैं नहीं, मेरे परिवार भी नहीं गया, मेरे गांव में भी कोई नहीं गया। अच्छा, पूरे गांव से ही कोई नहीं गया? एक भी नहीं गया, हम लोग नहीं गए। आपको बुलाया नहीं कि आइए आप भी किसान हैं तो चलिए आंदोलन में? वैसे कहने वाले तो बहुत होते हैं, बाकी हम लोगों को समझ में भी ये गलत है, बिल्कुल हम नहीं देंगे। क्या लगता है फिर आपको, मोदी सरकार पे भरोसा है? ये सरकार आने के बाद गरीब आदमी को बहुत मान सम्मान मिला है। अच्छा, बहुत मान सम्मान मिला है। पहला मान सम्मान तो ये है कि हम लोगों को बैंक में जाने का पता ही नहीं होता था, जीरो बैलेंस में खाता खोल दिया, हमारे को ये तो पता लग गया बैंक में ऐसे गेट है, हम लोगों को गेट का पता ही नहीं था। दूसरा ये आप ये लगा लो गैस, गैस रसोई जो रसोई का गैस है उसको हम लोगों घर में नहीं होती थी, हम चूल्हा जलाते थे, लकड़ जलाते थे, हमारे आम घरों में गैस चला गया। ये मान लो हम लोग गरीब आदमी हो, जैसे मान लो मेरे पास 4 बीघे किले ज़मीन है, 4 किलो में क्या होगा? पर यह कि अब इसके राज में हमारे को ठीक है, ये बिल्कुल सही है, अब ठीक है, अब गैस मिल गया है, गरीब आदमी की पूछताछ हो गया ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल पूछताछ होगी, नहीं यहाँ कोई हमारे हरियाणा में तो और बिल्कुल पूछ नहीं थी, बिल्कुल पूछ नहीं थी। हाँ हाँ, पहले गरीब आदमी कोई पूछता था और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पूछ होगी। और हरियाणा और अब तुझे कोई भी देख लो, मैं तो हरियाणा का हूँ, मेरे को तो क्या पता यूपी में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, बाकी ये बिल्कुल बढ़िया काम किया है इसे। बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है, हमारे लिए ठीक है। ये 3 कानून भी सही लगते हैं आपको? देखो जी, मैं ना तो काला कानून जानता ना सफ़ेद कानून जानता, इतना पता है मेरे को कि मोदी ने जो किया वो बढ़िया ही किया है, गलत नहीं किया। मोदी ने जो किया वो बढ़िया ही किया है, बाकी हम नहीं जानते भी काला कानून क्या होता है, धोला कानून क्या होता है, सफ़ेद कानून क्या होता है, बाकी ये जानता हूँ कि मोदी ने जो किया वो बढ़िया किया है, गलत नहीं किया। अच्छा लगता है आप? हाँ जी, बिल्कुल अच्छा लगता है सर जी, धन्यवाद। ठीक है सर।